की अपनी कलाकारी दिखा रहे हैं। आज हम कराएंगे आपको अयोध्या दर्शन। जय श्री राम। जय श्री राम। राम जी की भव्य मूर्ति, भगवान राम ही राम आपको नजर आएंगे अयोध्या नगरी की तरफ। चल रहा है कंस्ट्रक्शन, ये बन रही है बहुत बड़ी पार्किंग। ये है वशिष्ठ चौक, जहाँ पर मधुबनी मंडाला। चलिए अयोध्या धाम जंक्शन लगे हुए हैं काम करने के लिए। तस्वीर को यहाँ पर बनाया जाता है तो, और धन भाग हमारे जो हम लोग यहाँ पे आके श्री राम का बना रहे हैं। आप बहुत सुंदर से बनाए गए। जय जय श्री राम। स्वागत है आपका भगवान राम की नगरी अयोध्या से एक और नए ब्लॉग में। और जैसा कि हमारा अयोध्या के ब्लॉग चल रहे हैं, कल हम अयोध्या पहुंच गए थे, तो आज हम कराएंगे आपको अयोध्या दर्शन। और अभी हम पहुंच चुके हैं भाई सुल्तानपुर हाईवे पर अयोध्या में। और यहाँ पर जैसा कि आप सब जानते हैं कि राम मंदिर की तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही है, और हर जगह आपको दिख जाएगा कुछ ना कुछ नया होते हुए। तो भाई अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ मेरे पीछे बहुत सारे राम भक्त और आर्टिस्ट लगे हुए हैं, जो कि भाई पूरे अयोध्या नगरी को ना एकदम नया रूप दे रहे हैं। और ये है फ्लाईओवर, इस फ्लाईओवर को पूरा ना डेकोरेट किया जा रहा है भाई। तो भाई यहाँ पर जो भी कलाकार हैं वो देखिए अपनी कलाकारी दिखा रहे हैं, और यहाँ पर सब मूर्तियाँ वगैरह चित्र वगैरह बना रहे हैं। ऐसे ही पूरी अयोध्या को ना एकदम राममय किया जा रहा है। तो चलिए चलते हैं उनसे थोड़ा उनके पास में और दिखाते हैं और उनसे करते हैं कुछ बातचीत। ये देखिए भैया बना रहे हैं। क्या नाम था आपका? राज आर्ट्स। और भैया आपका? रानीतुल। कहाँ से भैया? अयोध्या से ही? खजुराहो से, एमपी। अच्छा, तो भाई देखो कितनी दूर से आ रखे एमपी से, और राम की नगरी अयोध्या को एक दिव्य भव्य रूप दे रहे हैं। और भाई बहुत ही मेहनत का काम है, दिखता आसान है, हम लोग देखकर चले जाते हैं, लेकिन भाई इनको पता है कितना मेहनत लगता है इसमें। भाई बताएंगे कुछ डेली का रूटीन है काम करने का। और यहाँ पर हम लोग इसलिए आए कि जो राम मंदिर उद्घाटन होने वाला है 22 तारीख को, उसी के लिए सौंदर्यीकरण हो रहा है अपने अयोध्या नगर में। अच्छा, तो पूरी अयोध्या में ऐसे ही सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। जितने भी फ्लाई ओवर हैं सारों पर इसी कार्य होते हैं। तो भाई देख सकते हो ना भाई कितना मेहनत कर रहे हैं यार। और आप जब अयोध्या आओगे तो आपको पूरी अयोध्या राममय नजर आएगी। तो भाइयों को भाई सैल्यूट है, इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, तो सभी का योगदान है। सभी अपने योगदान से अयोध्या नगरी को एकदम दिव्य बना रहे हैं, सुंदर बना रहे हैं। तो भाई एक लाइक कर दीजिएगा भैया के लिए। हाँ, जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा, आप ये काम कब से कर रहे हो? हमें लगभग यहाँ पे 5 साल होगी काम इस लैंड में आते हैं। अच्छा ना, इससे पहले भी आप काम कर रहे होगे ना? अच्छा, तो काम तो आपने बहुत जगह किया होगा, लेकिन यहाँ पर जो काम करते हैं आपको कैसा लग रहा है? कुछ अलग महसूस हो रहा है? खुशी हुई कि हमें अयोध्या में काम करने का मौका मिला। मतलब भगवान राम ने आपको चुना है इस काम के लिए ना। काम तो बहुत जगह करते हैं, पैसे बहुत जगह मिल जाते हैं, लेकिन जो यहाँ पर आनंद मिल रहा होगा वो आपको शायद दूसरी जगह नहीं मिला होगा ना। वो यहाँ पे काम करने का बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा, शायद किस्मत में था। बिल्कुल, भगवान राम ने आपको चुना, क्योंकि कला कहते हैं ना कि कलाकार तो बहुत सारे। बिल्कुल बिल्कुल, देखो दुनिया में भारत में कितने सारे आर्टिस्ट होंगे, कलाकार होंगे, लेकिन मौका राम मंदिर लोगों की कला कुछ काम तो आई। बिल्कुल बिल्कुल, और ये इतिहास बन रहा है, इतिहास आपको याद रखेगा वीडियो के माध्यम से। देखेंगे जब लोग 20-30 साल बाद देखेंगे तो भाई आप भी ये दिखेगा कि आप भी जब शामिल थे, आप भी घर, आप जब कभी भी आएंगे इधर या कभी भी आपकी फैमिली आती है तो बोलोगे भाई ये देखो भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो भाई यहाँ पर भाई लोग बिल्कुल बिल्कुल। तो भाइयों के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा भाई, और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। तो भाई अयोध्या नगरी में आओ और भगवान राम आपको ना दिखे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अयोध्या नगरी में घुसते ही आपको हर रोड पर, हर हाईवे पर आपको भगवान राम। भाई पीछे आप लोग देख सकते हैं हमारे राम जी की भव्य मूर्ति, और भी जितने भी हमारे भगवान जी हैं, चाहे वो माता सीता हो, चाहे हनुमान जी हो, पवन सुत हनुमान जी हो, तो उन सभी की मूर्तियाँ आप लोगों को इस हाईवे पे देखने को मिलेंगी। ये हाईवे जो है अपना अयोध्या और गोरखपुर वाला हाईवे है, तो आप लोगों को दिखाते हैं अपने अयोध्या नगरी की भव्य भव्यता और सुंदर प्रतिमाएं, सुंदर कलाकृति, और जितने भी डेकोरेशन है आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिले। और भाई को आपने देखा होगा पिछले हमारे साइकिल ब्लॉग में, भाई के घर पे हम रुके थे। चैनल का नाम बता दो भाई। भाई अपना चैनल है एक्सप्लोर विद शिवा, आप लोग सर्च कर सकते हैं। तो भाई सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे भी आपको भाई अयोध्या का पूरा कंटेंट मिलेगा। तो बिल्कुल, चलिए देर ना करते हुए आपको भव्य प्रतिमा दिखाती है भगवान राम की, जिस प्रतिमा ने हमें रुकने पर मजबूर कर दिया भाई यहाँ बीच हाईवे में। देखो हाईवे क्रॉस करके ना रिस्क लेके अंदर आए आपको दिखाने के लिए, भगवान राम के दर्शन कराने के लिए। जय जय श्री राम। भाई ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम कहीं
रोड के किनारे घूम रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम भगवान राम के युग में आ गए। हर जगह देखो भगवान राम ही राम आपको नजर आएंगे अयोध्या में। पूरे अयोध्या में, पूरा अयोध्या इस समय राममय हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो वाला हाईवे है ये जाता है अयोध्या नगरी की तरफ, और ये वही हाईवे है जहाँ से पीएम मोदी का रोड शो हुआ था और वो अयोध्या की तरफ गए थे। तो देखो अभी फूल मालाएं यहाँ पे पड़ी हुई है, थोड़ा सूख चुकी है। ये अयोध्या जंक्शन का एरिया यहाँ चल रहा है कंस्ट्रक्शन तरीके से। यहाँ पे सारी ये जो चौड़ीकरण हो रहा है ना, पटरी आई, यहाँ से पटरी आई भाई। जबरदस्त तैयारियाँ चल रही है अयोध्या में, क्योंकि 22 तारीख का सब कंप्लीट कर रहा किया जाना है। रौला बता दिया भाई, रौला। देखो सामने आपको दिख रहा हो भाई वो वाला फोटो रामचंद्र जी का, जो कि आपने देखा होगा फोटो वीडियोस में। और ये बन रही है बहुत बड़ी पार्किंग, क्योंकि 22 जनवरी के बाद ना यहाँ से मात्र 1.5 किलोमीटर आपको राम जी के दर्शन हो जाएंगे। बिल्कुल आपको मंदिर दिख जाएगी। अभी आपको चलिए दिखाते हैं, पहले आप पार्किंग देख लीजिए। यहाँ पे आपने रील में बहुत देखे होंगे श्री रामचंद्र जी के भव्य चित्रण। भाई ऐसी काफ़ी सारी पार्किंग की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि यहाँ 22 तारीख के बाद राम भक्तों का जन सैलाब आने वाला है अयोध्या में। आने वाले टूटने वाला है, इतना भयंकर टूटने वाला है भाई। तो चलते चलते हम पहुंच गए हैं अभी वशिष्ठ चौक पर। मेरे पीछे आप देख सकते हो ये है वशिष्ठ चौक, जहां पर कि वशिष्ठ जी की मूर्ति लगाई जाएगी। और ये तो आप देख ही रहे होंगे, देखो हर तरफ साफ सफाई चल रहा है ना, पल पल में यहां पर झाड़ू लगाई जाती है, साफ सफाई की जाती है। सभी सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं अपनी ड्यूटी पर, क्योंकि अयोध्या को 22 तारीख के लिए तैयार किया जा रहा है। और यहां पर भी काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और ये जो फ्लाईओवर बनाया जा रहा है ये रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस करके सीधे हाईवे में कनेक्ट होगा आगे। और जितना भी जो ट्रैफिक आएगा ना भाई 22 तारीख के बाद, जितने भी राम भक्त लोग आएंगे ना, उनके लिए यहाँ पर ये बनाई गई है पार्किंग। और पार्किंग में देख रहे होगा आपको भगवान राम की वो सुंदर सा चित्रण किया गया, जो कि आपने वीडियोस में रील्स में देखा होगा, काफ़ी वायरल है। और मेरे पीछे भी आपको दिखेगी पार्किंग। तो इतनी बड़ी पार्किंग बनाई जा रही है भाई, क्योंकि लाखों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु राम भक्त आने वाले हैं, बस कुछ ही समय का इंतज़ार है। और हर तरफ ज़बरदस्त तैयारियां चल रही हैं, और जैसे भी जो भी तैयारियां चल रही हैं हम आपको दिखाते रहेंगे। चलो चलते हैं फ्लाईओवर पर, दिखाते हैं यहाँ पर देखो कैसा डेकोरेशन का काम चल रहा है। तो फ्लाईओवर तो बनाया जा रहा है, फ्लाईओवर को ना एक बहुत ही अच्छा रूप दिया जा रहा है, सजाया जा रहा है, डेकोरेट किया जा रहा है। देखो कितना अच्छा यहाँ पर कलाकृतियाँ बनाई जा रही हैं। और हर जगह अयोध्या द लैंड ऑफ लॉर्ड रामा, ये देखिए पूरा फ्लाईओवर को ना ऐसे सजाया जा रहा है, जिसमें काफ़ी मेहनत लग रही है भाई। और आप जब कभी भी अयोध्या आते हैं तो भाई इनको गंदा मत कीजिएगा, साफ़ सफाई बना के रखिएगा, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज अपील किया है अयोध्या से की जनता से और लोगों से, पूरे देश की जनता से, कि भाई अयोध्या को और अपने आसपास पूरे देश को साफ़ सफाई बनाए रखें, स्वच्छ रखें। और देखो कितना सुंदर यहाँ पे चित्रकारी वगैरह किया जा रहा है। और ये बनी हुई है जो विशालकाय पार्किंग इधर और इधर दोनों तरफ, जैसे कि लोग आएंगे अपनी गाड़ी आप पार कर सकते हो यहाँ पर। और अभी यहाँ पर काफ़ी सारा काम होना है, और फ्लाईओवर का उधर चल रहा है कंस्ट्रक्शन, देख सकते हो आप बड़ी बड़ी क्रेनें लगी हुई हैं, जो कि वो ब्रिज को बनाया जा रहा है रेलवे क्रॉसिंग को। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखिए ये जो चित्र हैं इस तरीके से बनाए जाते हैं। अभी यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है, पीछे तो आपने देखा कई सारे आर्टिस्ट थे, उनसे बात कराई हमने आपको, पर यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है कोई, लंच वगैरह करने गए हुए हैं। और लगे हुए हैं सभी कलाकार अपनी कलाकृतियाँ दिखाने में। जय जय श्री राम भाई, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो भगवान राम की नगरी अयोध्या में देवभूमि उत्तराखंड से भी लोग आए हुए हैं अपनी कलाकारी दिखाने के लिए, और राम जन्मभूमि को एक दिव्य अलौकिक रूप देने के लिए। तो उधर टीम आई हुई है जो कि उत्तराखंड हरिद्वार से है, उधर सारे हैं, उधर मैम देखो चित्रकारी कर रही हैं, और इधर भी कुछ मैम हैं। चलिए उनसे पूछते हैं ये जो चित्रकारी यहाँ पर आर्ट हो रही है उसका नाम क्या है और क्या बनाते हैं, उसे कैसे बनाते हैं। हेलो मैम, क्या नाम था आपका? आरती। पहले तो ये बताइए ये जो चित्रकारी यहाँ पर हो रही है इसको बोलते क्या है? मधुबनी मधुबनी मंडाला बना रहे हैं, मधुबनी भी और मंडाला भी। इसमें डिफरेंस क्या होता है? एक कलरफुल होती है, एक ब्लैक एंड वाइट। एक कलरफुल होती है, एक ब्लैक एंड वाइट होती है।
देखें यहाँ पर मैम बना रही हैं। भाई देखने में ना इजी लग रहा है लेकिन करने में बहुत ही मुश्किल होता होगा। कितना टाइम हो गया मैम आपको यहाँ पर? 15 दिन। तो अभी 22 तक आप इधर ही हो ना? तो कैसा अनुभव रहा आपका यहाँ पे राम देवभूमि से राम जन्मभूमि में आके? बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम यहाँ पे आएंगे। ठीक है, ये आप जो क्रिएट कर रहे हो ना, ये एक हिस्ट्री है। आने वाले जो 30 साल 40 साल बाद जब लोग देखेंगे जानेंगे तो आप एक हिस्ट्री का हिस्सा बनने जा रहे हो। बिल्कुल, कोई भी उधर से आएगा तो ये बोल सकते हैं भाई कि हमने इधर, आप 30 साल बाद 40 साल बाद जब आप लोगों को बताओगे ना कि जब राम मंदिर बना था तो हमारे सामने बना था और हमने भी उसमें योगदान दिया था। काम तो लोग बहुत जगह करते हैं लेकिन ये जो है ना, ये एक काम नहीं, एक तरह से सेवा मान सकते हो इसे आप। हाँ, तो भगवान राम ने आपको चुना है सेवा के लिए, तो कैसा लग रहा है आपको? चलिए जी, आएंगे और पेंटिंग करेंगे। बिल्कुल, तो एक जयकारा हो जाए, जय जय श्री राम। चलिए, काफ़ी अच्छा लगा मैम से बात करके, धन्यवाद। और भाई, भाई आप भी हरिद्वार से हैं? तो भाई देखो भाई भी लगे हुए हैं। अरे कोई बात नहीं भाई। नहीं कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, जो आप इस समय कर रहे हो सबसे बड़ी चीज़। बस बस बस,